वालेकुम दोस्तों, आज हम सबर खानी रहमतुल्लाह की तशरीह के नबज़ से तशरीह पढ़ेंगे और नबज़ से अमराज को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नबज़ की तशरीह पे होगा। मुफ़रद नबज़ से मकामे तहरीक तलाश करना। नज़रिया मुफ़रद अज़ा में तीन किस्म की मुफ़रद नबज़ें हैं। नंबर एक, उज़लाती नबज़। कलाई पर आस्था से उंगलियां रखें। अगर नबज़ ऊपर ही उंगलियों के पोरों को जोर से ठोकर लगा रहा हो और नबज़ की उंगलियां के चार उंगलियों से ज्यादा हो और बुलंद और तेज हो तो ये नबज़ मुफ़रद अज़ा में उज़लाती नबज़ है और जिस्म में उसकी दावियत का इज़हार करती है। नंबर दो, गुद्दी नबज़। अगर नबज़ पर उंगलियां रखकर थोड़ा सा दबाने से महसूस हो और नबज़ ना तो ज्यादा दूर हो और ना ही ज्यादा छोटी हो तो ऐसी नबज़ को हम मुफ़रद अज़ा में गुद्दी नबज़ कहते हैं और जिस्म में हरारत सफ़रियत का इज़हार करती है। अगर नबज़ पर उंगलियां रखकर काफी दबाने पर या कलाई की हड्डी के बिल्कुल आखिर पर महसूस हो, मामूली सा महसूस हो तो ऐसी नबज़ नज़रिया मुफ़रद अज़ा में असाबी नबज़ कहलाती है और इस नबज़ में जिस्म में बलगम और तुबाद होती है। मुफ़रद नबज़ पहचानने का आसान तरीका। इंसानी जिस्म में मुफ़रद अज़ा की तरतीब ये है कि सबसे अज़ाब है, असाब के नीचे वदूद और वदूद के नीचे उज़लात। अब नबज़ देखते वक्त आप नबज़ में इन की तरतीब उल्टी कर दें। मसलन नंबर एक, असाब जिस्म में सबसे ऊपर है, साबी नबज़ सबसे नीचे होगी। नंबर दो, वदूद जिस्म में असाब से नीचे यानी नंबर पर है, नबज़ में बुद्दी नबज़ असाबी नबज़ से ऊपर यानी दरमियान में आ जाएगी। नंबर तीन, तरतीब के लिहाज से तीसरे नंबर पर यानी असाब और वदूद से नीचे हैं, इसलिए उज़लाती नबज़ बुद्दी नबज़ से ऊपर यानी असाबी और वदूद दोनों नबज़ों से ऊपर आ जाएगी। नंबर एक, बुलंद नबज़ को उज़लाती नबज़ कहते हैं। नंबर दो, मोतदिल नबज़ को बुद्दी नबज़ कहते हैं। नंबर तीन, पस्त नबज़ को असाबी नबज़ कहते हैं। उज़लाती नबज़ सबसे ऊपर, बुद्दी नबज़ दरमियान में और असाबी नबज़ सबसे नीचे महसूस होगी। मरकब नबज़, असाबी उज़लाती नबज़ असाबी उज़लाती नबज़ क्योंकि पस्त होती है और उज़लाती नबज़ बुलंद है, इसलिए जब असाब का अल्लाह उज़लात से होता है तो उस वक्त नबज़ उज़लात के अल्लाह की वजह से कदरे ऊपर आ जाती है और एक से दो उंगलियों तक महसूस होती है। ये नबज़ नज़र तेज और मोटी ज्यादा होती है, जैसे पानी से भरी हुई जो कि मामूली सा दबाव देने से दब जाती है। उज़लाती असाबी नबज़, जब उज़लात का तल्लुक असाब से होता है तो ये नबज़ रफ़्तार में तेज और भरपूर होती है। असाबी तल्लुक की वजह से जिस्मी तौर पर कदरे मोटी लेकिन हरकत में तेज होती है, हाथ रहते ही तीन उंगलियों तक महसूस होती है। उज़लाती गुद्दी नबज़, ये खालिस उज़लाती नबज़ है, इसमें उज़लात का तल्लुक असाब से हटकर जिगर गदरुत के साथ हो जाता है। ये नबज़ हरकत में इंतहाई तेज, जिस्मी तौर पर पतली और बारीक होती है, दबाने पर सांस तनी हुई महसूस होती है, इधर उधर हरकत नहीं कर सकती, उंगलियां रखने से चार उंगलियों से भी खास हस्ती हुई मालूम होती है। गुद्दी उज़लाती नबज़, जब जिगर गदरुत का तल्लुक उज़लात से हो जाता है तो ये नबज़ उज़लाती गुद्दी की नस्बत गहराई में हो जाती है, क्योंकि इस नबज़ में वदूद का तल्लुक उज़लात से होता है, इसलिए ये नबज़ हरकत में कदरे तेज होती है। उज़लाती गुद्दी की नस्बत मामूली सा दबाव देने से महसूस होती है। गुद्दी असाबी नबज़, इस नबज़ में वदूद का तल्लुक उज़लात से हटकर असाब से हो जाता है, ये खालिस गुद्दी नबज़ है।
ये नबज बारीक और हरकत महसूस छूने से बिल्कुल दरमियान में और दिल और लेकिन नबज की नस्बत पस्त होती है असाबी बुद्धि नबज, क्योंकि असाबी नबज सब से और होती नबज इसके ऊपर होती है। इसलिए जब असाब का अल्लाह बदरूस से होता है तो ये नबज गहराई में होने की वजह से एक उंगली पर दबाव देने से महसूस होती है। बाद ऐसा भी होता है कि नबज चार उंगलियों पर रखी जाए और दबाव ना दिया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे नबज पर जाती हो, मगर जब उंगली सा दबाव दिया जाए तो नबज और नीचे दब जाती है और पस्त मालूम होती है। मेरे भाइयों एक बात को आप ये नशीन कर लें कि तशखीस करते वक्त नबज को ही काफी ना समझें, बल्कि एक मरीज के शाह और मरीज के मुंह का जायका और अखराज मरीज के मरीज की जिल्द के रंग और मरीज के चेहरे की रंगत और अलामत वगैरह को अच्छी तरह देख कर नतीजे पर पहुंचे ताकि किसी किस्म का गलती का उपकार ना रहे और मिजाज की सही तशखीस हो सके।